नमस्कार, शाज रीता के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, गर्मी ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। ऊपर से ह्यूमिडिटी इतनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा है कि कपड़े पूरे गीले हो जा रहे हैं। तो यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो सब ठीक है। फ्रेंड्स, मंडे मॉर्निंग का रूटीन जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया था, क्योंकि बेटी भी खाना लेके नहीं गई और हस्बैंड भी नहीं लेके गए। तो मैंने बोला कि चलो, ये लोग जब निकल रहे हैं, कोई भी नहीं रहेगा घर में, तो मैं जैसे तैसे अपना कुछ बना के खा लूँगी। तो देखा घर में चावल भी थे और पकी हुई सब्जियाँ भी थी, तो मैंने सोचा कि वहीं से मैं चला लेती हूँ, शाम के वक्त खाना बना लूँगी। तो ये शाम के वक्त का है जब मैं ट्यूशन पढ़ के आ गई थी, और ट्यूशन से आने के बाद में मैं ये सब खाना बनाई हूँ। ये मछली के साथ में आलू और कच्चा केला का सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे आलू भी है और मछली भी है, भूनने के लिए बैठा दी हूँ, क्योंकि स्लो में मछली होता है तो साथ में आलू भी भून जाती है, 50% उबल जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी करने की वजह से जल्दी से ये सब बैठा दिया कर, और जैसे तैसे हम काम तो ख़त्म करना ही है। तो ये 2-3 दिन से अंजना आई नहीं थी, तो मैं एक साथ में बर्तन भी मांजती गई और ये सब्जियाँ भी बनाती गई। ये काकरोल बोलते हैं फ्रेंड्स, वो जो एक और सब्जी जो दिखा अभी, उसको काकरोल बोलते हैं हमारे यहाँ बंगला में, और शायद खेक्सी या खेक्सा कुछ बोलते हैं, इस तरह का कुछ वो सब्जी है। बाकी वो बहुत प्रोटीन वाला है और अच्छा भी लगता है खाने के लिए, लेकिन उसका अपना एक स्मेल है। तो ये कच्चा केला को भी मैं मछली भूनने के बाद से अच्छे से उसको भी थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा डीप फ्राई करके। तो कच्चा केला और आलू से मछली का जो करी बनता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, हम लोगों को तो ऑलमोस्ट तीनों को ही पेट का गड़बड़ समस्या रहता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए हम लोग लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कच्चा मिर्ची भी जो बहुत तीखा वाला वो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन मैं सब्जियों में थोड़ा मिर्चा ज़्यादा ही डालती हूँ। कभी कभी मिर्चियाँ थोड़ी तेज़ झाल निकल जाती है, कभी कभी फीकी रहती है, तो कच्चा मिर्चा एक्स्ट्रा से ऊपर से लेकर के हम लोग खा लेते हैं। इस बच्ची तो मेरी परीक्षा देने के लिए गई है, संडे इवनिंग को हम छोड़ के आए हैं और मंडे को उसका एग्ज़ाम हो गया है। तो मंडे को मेरे हस्बैंड अभी वर्कशॉप से उसके हॉस्टल चले गए हैं, लेने के आएंगे। वो हमारे साथ बैठकर डिनर करेगी और फिर उसका रेगुलर क्लासेस जो है ऑफिस का, ये रूटीन शुरू हो जाएगा। ये शायद सैटरडे तक, इस सैटरडे उसका छुट्टी है, तो मंडे से उसका एग्ज़ाम फिर से है। 2 और एग्ज़ाम होने बाकी हैं, मंडे और ट्यूसडे, तो उसको हम लोग फिर सैटरडे छोड़ के आ जाएंगे। पापा कह रहे थे कि बैंगन का भरता भी बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, तो बनाऊंगी क्या? मैं बोली हाँ, ज़रूर बना के रखूंगी, क्या बात है इसमें। तो बेटी तो मेरी बैंगन खाती नहीं है, मुझे भी बैंगन को उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन हस्बैंड को बहुत पसंद है बैंगन का भरता। बैंगन का और कोई चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं, बैंगन का भरता और बैंगन भुजिया ये बहुत पसंद है उनको। बंगाल में तो बेगुनी भी बनाई जाती है बैंगन से, तो वो भी उनको बहुत पसंद है, लेकिन सब्जी वगैरह में डालने से उनको अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर ट्यूशन गई हुई थी, 2:30 बजे से तैयार हो गई और 3 बजे से क्लासेस थे, तो 3 से 4:30 बजे तक मैं क्लास करी, फिर जल्दी से आ गई। आने के बाद में मैं ये सब पहले रेडी कर ली, जितने सारे बर्तन बर्तन थे वे सबको मैं धो करके उलट के रख के गई थी, तो ये आकर पानी झड़ चुका है और मैं इसको सब एक जगह जो जहाँ पे रहता है वो सबको एक्यूरेट जगह पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं फिर दूसरा काम करूँगी। ईशा के पापा आने के बाद भी तुरंत वापस बाहर निकल गए हैं बेटी को छोड़ के, तो फ्रेंड अभी वो मेडिसिन लाने गए हैं, मेरा और उनका दोनों का ही, हम दोनों का ही मेडिसिन ख़त्म हो चुका है। तो वो कल्याणी में मिलता है, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, और उसका भी स्टॉक बहुत कम रहता है, 1 पत्ती या 2 पत्ती मिलती हैं, उसमें 10 या 15 मेडिसिन रहता है। तो ये मुझे अभी और खाने हैं मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग का जो काम है ट्यूसडे मॉर्निंग का शुरू हो गया है, और सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं उठ करके अपना जो रूम है, रूम में भगवान है, प्रणाम करती हूँ और थैंक्स करती हूँ भगवान को कि आज का दिन मुझे देखने को दिया। तो ये सब करने के बाद में जो सब्जियाँ रहती है वो निकाल के मैं फटाफट काटने बैठ जाती हूँ।
मॉर्निंग में पहले सब्जियां काट के उसके बाद में मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, जो मसाला लगेगा वो सब हाथ में कर लेती हूँ। पहले जैसे फटाफट काम करने में मुझे अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो जब तक हर काम मैं नहीं कर सकती हूँ अभी। तो अभी मैं यहाँ पर मछली की करी बन रही है, और यहाँ पर एक और सब्जी बन रही है, करेला, आलू, बैंगन और मछली का सर के साथ में, मछली मुंडी के साथ में वो करेला का सब्जी बन रहा है चोरचोड़ी। और उसके बाद में आलू और परवल से मछली का करी बन रहा है, ये रुई फिश है। और ये फिश के साथ में मछली का अंडा भी बहुत सारा लेके आए हैं, तो रात में हम लोग पकौड़ा बनाए थे मछली के अंडे से। और सुबह मैं मछली को ऐसे ही तेल में भूंज के और मछली का करी में डाल दूँगी। मछली के जो अंडे होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं खाने के लिए, तो मैं पकोड़े भी बनाती हूँ और उसके बाद मछली की करी में भी डाल देती हूँ। अभी ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी इतनी गर्मी है, तो कल जो रात को हम पकोड़े खाए वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, गर्म पड़ गया है ना, तो इसलिए अभी और एकदम अच्छे नहीं लग रहे हैं ये सब खाने का। जो पहली बार आए हो मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट्स रहता है मेरे लिए तो ज़रूर से कमेंट्स भी कीजिएगा, चाहे वो अच्छा हो या फिर मेरे वीडियो में को प्रोग्रेस करने में कामयाबी मिलेगी मुझे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में से आप लोगों को थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कहाँ पर कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त पर, और फिर से वापस मिलने का वादा करते हुए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।